अजीज तलबा, अब हम सबक के आखिरी हिस्से पर आ चुके हैं और अब हम रेशम साजी की मालूमात हासिल करेंगे। रेशम के कीड़े पालना और इनसे रेशम हासिल करना रेशम साजी कहलाता है। रेशम साजी के लिए बॉम्बिक्स मोरी नामी नस्ल का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। रेशम के कीड़े की जिंदगी चार मराहिल में गुजरती है, अंडा, लार्वा, प्यूपा और पतंगा। मादा जब अंडे दे देती है तो इन अंडों को मस्नूई तौर पर सीकर इनसे लार्वा हासिल कर लिए जाते हैं। इन लार्वा को शहतूत के पत्तों पर 3 से 4 हफ्तों के लिए छोड़ दिया जाता है। 3 से 4 हफ्ते शहतूत के पत्ते खाकर ये लार्वा अब टहनियों पर जाने लगते हैं। टहनियों पर जाने के बाद इनके लुआबे दहन के अफराजात से रेशम के रेशे तैयार होते हैं। इन रेशों को लार्वा अपने अतराफ लपेट लेते हैं और इनकी शक्ल उस्तवाना नुमा या गोल हो जाती है। इस वक्त लार्वा प्यूपा में तब्दील हो चुके हैं। प्यूपा से पतंगा बनने से 10 दिन पहले ही इन प्यूपा को उबलते हुए पानी में डाल दिया जाता है, जिससे लार्वा खत्म हो जाते हैं और रेशम के रेशे ढीले हो जाते हैं। इन रेशों पर सनती आमाल करके इनसे रेशम के धागे तैयार किए जाते हैं और इन धागों से रेशम की मुख्तलिफ मसनूआत तैयार की जाती है।